साल 1993, एक ऐसा साल जिसमें कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक का इजाद किया जिसमें उन बीमारियों का इलाज भी संभव हो सका जिन्हें लाइलाज बीमारियों के दायरे में रखा गया था। ये तकनीक जेनेटिक एडिटिंग के ऊपर काम करने वाली एक बेहद ही आधुनिक तकनीक थी जिससे सैकड़ों बीमारियों का एक सटीक इलाज संभव हुआ। इस तकनीक को इस दुनिया में एक नाम, एक स्थान देने के लिए क्रिस्पर नाम दिया गया। क्रिस्पर का उपयोग साल दर साल तेजी से बढ़ता गया। बहुत सारी बड़ी कंपनियां इससे हाइब्रिड डीएनए बनाने पर काम करने लगी। साल 2016 आते आते जब सरकार को इस बात का पता चला तो इसे हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। लेकिन इन्हीं बड़ी कंपनियों में से एक एनर्जी नाम की कंपनी अभी भी सरकारों लोगों की नजरों से बचकर क्रिस्पर तकनीक का उपयोग कर रही होती हैं। जाहिर तौर पर उसका मकसद बेहद ही खतरनाक होता है। इस कहानी की शुरुआत स्पेस में एनर्जिन कंपनी के एक स्पेस स्टेशन एथिना 1 से होती है, जहां कुछ साइंटिस्ट एक लंबे वक्त से कई सारे एनिमल्स के डीएनए के हाइब्रिडाइजेशन पर काम कर रहे होते हैं। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि कई सारे क्रिएचर्स के डीएनए को मिलाकर एक अलग प्रकार का हाइब्रिड डीएनए तैयार करना। खैर, एक लंबे वक्त के इंतजार के बाद ये वैज्ञानिक अपने प्रयोग में सफल तो हो गए होते हैं। इन्होंने अलग अलग प्रकार के डीएनए कॉम्बिनेशंस को तो बना लिया होता है, लेकिन जिस चूहे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था वो आकार में बेहद ही बड़ा और भयानक हो जाता है। वो स्पेस स्टेशन में मौजूद सभी क्रू यानी साइंटिस्ट को मार देता है सिवाय डॉक्टर कैरी के। कैरी अब किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना चाहती हैं, इसीलिए वो एस्केप पोर्ट की तरफ बढ़ती हैं। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचती हैं तो देखती हैं कि दरवाजा लॉक है। वो नीचे एनर्जिन कंपनी के कंट्रोल डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करती हैं, लेकिन वहाँ उसकी बात कंपनी की ओनर क्लेयर वाइडेन से होती है। क्लेयर वाइडेन डॉक्टर कैरी से कहती है कि अगर तुम्हें वापस आना है तो वो सैंपल साथ लाना होगा, वरना तुम्हें वापस आने की कोई भी जरूरत नहीं है। कैरी के पास सैंपल को लेकर आने के अलावा दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि ये पूरा स्पेस स्टेशन अभी कुछ ही समय में ब्लास्ट होने वाला है। अब कैरी सैंपल को लेने के लिए लैब की तरफ बढ़ती है। जल्द ही वो लैब तक पहुंचती है और वहां से सैंपल लेने लगती है। एक एक करके वो 3 सैंपल्स के कैन ले लेती है। वो और भी कैन लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर वो इन्फेक्टेड चूहा आ जाता है। कैरी किसी तरह से उससे बचते हुए इसके पोर्ट तक पहुंच जाती है और उन सैंपल्स को लेकर इस स्पेस स्टेशन से अलग हो जाती है। कैरी के निकलते ही उसके आंखों के सामने ये पूरा स्पेस स्टेशन ब्लास्ट हो जाता है। वो इस वक्त सेफ होती है। उसे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। वो गहरी सांस लेती है, लेकिन तभी वो इसके पोर्ट भी ब्लास्ट हो जाता है और उसके टुकड़े किसी एस्ट्रॉइड की तरह यूएस की धरती के अलग अलग जगहों पर गिरते हैं। पहला टुकड़ा फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स नेशनल पार्क में गिरता है, जिसे उसी वक्त एक क्रोकोडाइल निगल जाता है। दूसरा टुकड़ा व्योमिंग के जंगलों में गिरता है, जिससे एक भेड़िया इन्फेक्टेड हो जाता है। और तीसरा और आखिरी टुकड़ा सैन डियागो वाइल्ड एनिमल पार्क में गिरता है। अब एनर्जिन कंपनी की ओनर क्लेयर वाइडेन इस बात से काफी परेशान हो जाती है कि कहीं उसका काला सच सरकार या दुनिया के सामने ना आ जाए। वो इस रिसर्च को एक सीक्रेट बनाए रखने के लिए अपनी एक प्राइवेट टीम को व्योमिंग के जंगलों में भेजती है, जहां वो दूसरा टुकड़ा गिरा था। कुछ ही समय में उसकी टीम व्योमिंग के जंगलों में पहुंच जाती है और वहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि बहुत से भेड़िये मरे पड़े हैं। जब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बड़े भेड़िये के पंजे का निशान दिखता है और इस पंजे का निशान देखकर इन्हें साफ हो जाता है कि इन तमाम भेड़ियों को मारने वाला कोई जाइंट भेड़िया है। इस वक्त क्लेयर भी इनके यूनिफॉर्म में लगे कैमरों की मदद से यहाँ का नजारा देख रही होती है। वो इन सोल्जर्स को इंस्ट्रक्शन देती है कि उस जाइंट वोल्फ को जिंदा या मुर्दा पकड़कर उसके पास लाएं। अब ये लोग उस वोल्फ के पंजों को ट्रैक करते हुए उसे ढूंढने लगते हैं। इन्हें उसे ढूंढते हुए अभी कुछ ही वक्त बीता ही होता है कि तभी वो वोल्फ कुछ पेड़ों के पीछे से निकलकर इन पर हमला कर देता है। वो आकार में इनसे काफी बड़ा होता है। उसके 1 से 2 हमले में ये सब के सब मारे जाते हैं। दूसरी तरफ सैन डियागो वाइल्ड एनिमल पार्क में, जहाँ वो तीसरा टुकड़ा गिरा था, वहाँ का एक गोरिल्ला बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गया होता है। उसने एक दूसरे सेल में मौजूद
एक ग्रिजली बेयर को मार दिया होता है। ग्रिजली बेयर को मारना कोई आम बात नहीं है, उसे दुनिया का सबसे खूंखार शिकारी माना जाता है। उस ग्रिजली बेयर के मौत के बाद उस गोरिल्ला के ट्रेनर डेविस ओकोये को बुलाया जाता है। जब डेविस यहाँ पर आता है तो उसका एक दोस्त उसे बताता है कि जॉर्ज की हाइट पहले से बढ़ गई है, वो पहले से ज्यादा गुस्सेला हो गया है। दरअसल जॉर्ज उसी एल्बिनो गोरिल्ला का नाम है, ये नाम उसे खुद डेविस ने दिया होता है। अब डेविस उसके साथ जॉर्ज को देखने जाता है, जहाँ जॉर्ज उसी ग्रिजली बेयर की गुफा में बैठा होता है जिसे उसने कुछ घंटों पहले ही मारा था। उस ग्रिजली बेयर की डेड बॉडी बाहर एक चट्टान पर पड़ी होती है। ये सब देखकर डेविस बहुत परेशान होता है, क्योंकि इससे पहले उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये काफी समझदार होता है, इसे सबके साथ मिलजुल कर रहना पसंद था, इसे इशारों में बात करनी आती है। डेविस उससे बाहर से इशारों में पूछता है कि तुमने उसे क्यों मारा। वो बताता है कि मैं डर गया था। डेविस उसे बाहर से ही समझाता है, कोई बात नहीं, डरना बुरी बात नहीं है। अब डेविस की मदद से उसे यहाँ से निकालकर एक बड़े से केज में बंद कर दिया जाता है। इसके कुछ समय बाद यहाँ घूमने आए दो स्टूडेंट डेविस को इमिजिएटली जॉर्ज के हैबिटेट एरिया में बुलाते हैं। जॉर्ज का हैबिटेट एरिया यानी वो जगह जहाँ पर जॉर्ज अक्सर रहा करता है। जब डेविस वहाँ पर पहुँचता है तो उसे जमीन में धंसा हुआ और काफी हाई टेम्परेचर से गुजरा हुआ एक कैनिस्टर मिलता है। इस कैनिस्टर को देखकर डेविस को इतना तो समझ में आ जाता है कि जॉर्ज के इस बदले हुए बिहेवियर का कारण कहीं ना कहीं कैनिस्टर ही है। अब इस मामले के तह तक जाने के लिए डेविस उस कैनिस्टर की पार्क के निजी लैब में जांच करवाता है, साथ ही साथ वो जॉर्ज की भी जांच करवाता है। कुछ समय बाद जब जांच की रिपोर्ट आती है तो उसे बताया जाता है कि कैनिस्टर में जो कुछ भी था उसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है, लेकिन जॉर्ज की रिपोर्ट के मुताबिक उसके शरीर के हार्मोन्स अस्वाभाविक तरीके से बदल रहे हैं। उसमें ग्रोथ हार्मोन्स की मात्रा बेहद ही तेजी से बढ़ रही है। अब ये बात जानने के बाद डेविस पहले से भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर जॉर्ज के शरीर में लगातार ऐसे ही बदलाव होते रहे तो वो उससे ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। डेविस इस रिपोर्ट को देखते हुए जॉर्ज की तरफ देखकर उससे वादा करता है कि वो उसे किसी भी कीमत पर ठीक करके रहेगा। दूसरी तरफ पार्क में घूमने आए कुछ लोग जब जॉर्ज को उसकी पुरानी जगह पर नहीं पाते तो वो बाहर जाकर ये बात चारों तरफ फैला देते हैं कि वाइल्ड एनिमल पार्क से एक गोरिल्ला कहीं पर भाग गया है। धीरे धीरे ये खबर इतनी फैल जाती है कि इसे सैन डियागो का लोकल मीडिया भी कवर करने लगता है। वो एनर्जिन कंपनी के मिनी स्पेस स्टेशन को इससे कनेक्ट करते हुए बताते हैं कि जब से उस स्पेस स्टेशन का एक टुकड़ा वहाँ गिरा है तब से उस पार्क से एक गोरिल्ला गायब है। इस न्यूज को देखकर सैन डियागो में रहने वाली एक जेनेटिक इंजीनियर डॉक्टर केट कार्डवेल उस मलबे को ढूंढने के लिए वाइल्ड एनिमल पार्क में आती हैं। यहाँ उसकी मुलाकात डेविस से होती है। डेविस ने अभी भी वो कैनिस्टर अपने हाथ में ही लिया होता है। केट डेविस से खुद को एनर्जिन में काम करने वाली एक जेनेटिक इंजीनियर बताकर उससे वो केन मांगती है। देने से पहले डेविस केट से ये जानने की कोशिश करता है कि इसमें ऐसा क्या था जिसने उसके दोस्त का ये हाल कर दिया है, लेकिन केट उसे ये कहकर टाल देती है कि ये जानकारी कॉन्फिडेंशियल है और वो उसे नहीं बता सकती। उसके मना करने पर डेविस भी उस केन को देने से मना कर देता है। अब केट डेविस का भरोसा जीतने के लिए उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दोस्त की हाइट अनयूजुअल तरीके से बढ़ रही है, उसकी ताकत और उसका गुस्सा पहले से कहीं ज्यादा हो गया है। ये सुनने के बाद डेविस केट को जॉर्ज के पास लेकर जाता है और उसे दिखाता है कि किस तरह से उसकी हाइट 6 फुट से बढ़कर 9 फुट हो गई है और उसका वजन जहाँ पहले 180 किलो का हुआ करता था अब 1000 किलो का हो गया है। जॉर्ज की कंडीशन को देखकर केट डेविस से पूछती है, क्या तुमने कभी क्रिस्पर का नाम सुना है? डेविस कहता है, हाँ, एक जेनेटिक एडिटिंग टेक्नोलॉजी। केट उसे बताती है कि उसने उसकी कंपनी एनर्जिन के साथ काम करते हुए कई सारे एनिमल्स और कई सारे क्रिएचर्स की जीन से अलग अलग प्रकार के जेनेटिक कॉम्बिनेशंस को तैयार किया है। वो डेविस को एक एग्जांपल के जरिए समझाती है, अगर किसी शार्क के उस जीन को जो उसे जिंदगी भर बढ़ने में मदद करता है उसे निकाल कर एक ब्लू व्हेल के जीन में मिला दिया जाए और फिर इस जेनेटिक कॉम्बिनेशन में राइनोसेरोस बीटल की ताकत
और एक चीते की फुर्ती मिला दी जाए तो उससे एक ऐसा जेनेटिक कॉम्बिनेशन तैयार होगा जो किसी जीव को एक चीते जितनी फुर्ती, एक राइनोसेरोस बीटल जैसी ताकत, एक शार्क जैसे जिंदगी भर बढ़ने की क्षमता और एक ब्लू व्हेल जैसे भारी भरकम विशाल शरीर का आकार दे सकता है। अब केट की बातों को सुनकर डेविस को समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली जॉर्ज के साथ क्या हुआ है। केट डेविस को परेशान देखकर उसे भरोसा दिलाती है कि वो जॉर्ज को पूरी तरह से ठीक कर सकती है, बस उसे थोड़ा वक्त चाहिए। अब जॉर्ज जो लगातार बढ़ रहा है, उसके बढ़ने के साथ साथ उसका गुस्सा, उसकी भूख भी बढ़ रही है। उसके शरीर में हो रहे लगातार हार्मोनल चेंजेस उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। धीरे धीरे ये तमाम वजह उसे बेकाबू कर देती हैं और वो उस केज को तोड़कर बाहर निकल जाता है जिसमें उसे बंद किया गया होता है। जब वो पार्क से निकलकर सड़कों पर पहुंचता है और सड़कों से होते हुए एक मार्केट में, तो लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और उन्हीं लोगों में से कुछ लोग इसकी जानकारी पुलिस को दे देते हैं, यानी बता देते हैं कि बाहर एक बहुत बड़ा गोरिल्ला खुले आम घूम रहा है। पुलिस कुछ ही समय में वहाँ पहुँचकर उसे चारों तरफ से घेर लेती है। अब इससे पहले कि ऑफिसर्स जॉर्ज पर गोलियां चलाते, वहाँ डेविस भी केट के साथ आ जाता है और वो उन ऑफिसर्स को समझा बुझाकर रोक लेता है। वो उन्हें समझाता है कि वो एक गोरिल्ला ट्रेनर है, वो सब संभाल लेगा, बस उसे थोड़ा वक्त चाहिए। अभी एक तरफ तो वो इन ऑफिसर्स को समझा रहा होता है तो वही दूसरी तरफ से कुछ ऑफिसर्स हेलीकॉप्टर से आकर जॉर्ज के ऊपर कई सारे बेहोशी के इंजेक्शन फायर कर देते हैं, जिससे जॉर्ज एक गहरी नींद में चला जाता है। जॉर्ज के बेहोश होने के बाद ऑफिसर्स जॉर्ज के साथ साथ डॉक्टर केट और डेविस को भी कस्टडी में ले लेते हैं। दरअसल पुलिस को शक होता है कि जॉर्ज की इस हालत के पीछे इन दोनों का भी हाथ हो सकता है। पुलिस वाले इन्हें लेकर एक मिलिट्री बेस पर जाते हैं, जहां से इनका केस एक सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी OGA को सौंप दिया जाता है। OGA गवर्नमेंट की एक ऐसी एजेंसी होती है जो इन्हीं जैसे मैटर्स को हैंडल करने का काम करती है। अब OGA का एक एजेंट रसल केट और डेविस के पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करते हुए उनके पास आता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों को भी उसी बंदर की तरह मेरे साथ चलना होगा। वो उन्हें, यानी जॉर्ज, केट और डेविस को एक बोइंग C-70 प्लेन से ले जाने वाला था। ये जानने के बाद डेविस उसे समझाता है कि वो ऐसा ना करे, अगर कहीं बीच में जॉर्ज की आँख खुल गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। रसल उसे कहता है, तुम बैठो तो सही, हमने सारा इंतजाम कर रखा है, हम हर वक्त उसके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर रहे हैं। प्लेन के टेक ऑफ होने के लगभग आधा घंटे के बाद जब प्लेन हवा में बादलों के बीच होता है तो रसल उन दोनों की हालचाल लेने के लिए उनके पास आता है। डेविस उस वक्त जॉर्ज को लेकर काफी चिंता में होता है कि ये लोग उसके साथ क्या करेंगे। डेविस रसल से पूछता है कि तुम आखिरकार करते क्या हो। दरअसल ये सवाल उसके लिए नहीं बल्कि उसकी OGA एजेंसी के लिए होता है। रसल उसे अपने ही अंदाज में जवाब देता है कि साइंस के बिगड़े हुए एक्सपेरिमेंट्स पर पर्दा डालने का काम। बातों बातों में वो इन्हें ये भी बताता है कि जॉर्ज के जैसा ही साइंस का एक और बिगड़ा एक्सपेरिमेंट, एक 30 फुट का वोल्फ, अभी भी जंगलों में बाहर घूम रहा है। डेविस रसल से कहता है कि जॉर्ज को फिर से पहले जैसा नॉर्मल किया जा सकता है, अगर वो उसकी थोड़ी मदद करे, उसका थोड़ा सपोर्ट करे। तो वो उसे केट के बारे में बताते हुए कहता है कि ये एनर्जिन कंपनी में काम करती है, इसी ने वो फॉर्मूला बनाने में कंपनी की मदद की है, ये जॉर्ज को पहले जैसा नॉर्मल कर सकती है। उसकी बातों को सुनकर रसल मुस्कुराते हुए कहता है, शायद इसने तुम्हें बताया नहीं कि ये उस कंपनी में काम करती थी, अब नहीं करती। रसल की बात सुनकर डेविस को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो केट से पूछता है, क्या वो जॉर्ज को ठीक नहीं कर सकती। केट अपने झूठ पर शर्मिंदा होते हुए कहती है, नहीं, मैं नहीं कर सकती। अब डेविस की नजर जॉर्ज पर जाती है जो उसके सामने पड़ा एक गहरी नींद में सो रहा होता है और इसी का फायदा उठाकर रसल अपनी टीम के साथ उसे लेकर लगातार शिकागो की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ शिकागो में एनर्जिन कंपनी की ओनर क्लेयर वाइडेन अपने गुनाहों को छिपाने के लिए और उस खास DNA सैंपल को हासिल करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक प्लान बना रही होती है। दरअसल उन्होंने जब इस जेनेटिक कॉम्बिनेशन को बनाया था
तो उससे इन्फेक्टेड बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस भी बनाया था। ये डिवाइस एक खास प्रकार की रेडियो फ्रिक्वेंसी को छोड़कर उन्हें मीलों दूर से भी अट्रैक्ट कर सकता था। ये डिवाइस उस वक्त शिकागो में मौजूद एनर्जिन कंपनी के हेडक्वार्टर और शिकागो की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग विलिस टावर पर लगाया गया था। अब एनर्जिन कंपनी की बेवकूफ ओनर क्लेयर वाइडेन इस बारे में बिना सोचे कि वो जाइंट एनिमल शहर में कितनी तबाही मचाएंगे, कितनी जाने जाएगी, उस डिवाइस को चालू कर देती है। डिवाइस के चालू होते ही व्योमिंग के जंगलों में मौजूद वो जाइंट वोल्फ तेजी से शिकागो शहर की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं प्लेन में बेहोश जॉर्ज भी अचानक से होश में आ जाता है और उसके होश में आते ही ओजीए के सारे इंतजाम धरे के धरे रह जाते हैं। लगातार ट्रांसमिट हो रही उस फ्रीक्वेंसी के प्रभाव से जॉर्ज पहले से भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। उसे जिस केज में बंद किया गया होता है उसे वो एक ही झटके में तोड़ देता है। जॉर्ज के हरकत में आते ही प्लेन के एक साइड का हिस्सा टूट जाता है और पूरा प्लेन अनस्टेबल होकर जमीन की तरफ बढ़ने लगता है। प्लेन में मौजूद सारे सोल्जर्स हाई प्रेशर की वजह से एक एक करके बाहर खींच जाते हैं, लेकिन अभी भी रसल, केट, डेविस और जॉर्ज प्लेन में ही मौजूद होते हैं। अब इनके पास जिंदा रहने के नाम पर बस कुछ मिनट ही बचे होते हैं। डेविस इससे बचने की सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर कुछ पैराशूट्स पर जाती है जो प्लेन के दूसरे हिस्से पर होता है। डेविस बिना एक भी मिनट गवाए उन पैराशूट्स को लेकर केट और रसल को दे देता है और एक खुद भी पहन लेता है। वो थोड़े समय के लिए ठहर कर जॉर्ज के बारे में सोचने लगता है कि उसे कैसे बचाया जाए, लेकिन शायद ये समय उसके ज्यादा ही विपरीत होता है। अचानक ऊपर से एक बड़ा सा कंटेनर आता है जिससे बचने के चक्कर में ये तीनों हवा के तेज बहाव के साथ बाहर खींच जाते हैं। सुरक्षित नीचे उतरने के बाद डेविस एक आखिरी बार जॉर्ज को देखने के लिए उस क्रैश्ड प्लेन के पास जाता है। उसके पीछे पीछे केट और रसल भी जाते हैं। जब ये तीनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जॉर्ज की बॉडी वहाँ पर नहीं है, और उसकी बॉडी वहाँ पर न होने का मतलब है कि जॉर्ज अभी भी जिंदा है। इन्हें उसके पैरों के निशान दिखते हैं जो उसके शहर की तरफ जाने का इशारा कर रहे थे। अब यहाँ से निकलने के लिए रसल अपनी एजेंसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जिस एरिया में प्लेन क्रैश हुआ होता है उसके आसपास दूर दूर तक कोई सेल टावर नहीं होता। सिग्नल न मिलने पर रसल प्लेन के मलबे से एक रेडियो तलाशने लगता है। थोड़ा बहुत खोजने के बाद उसे एक रेडियो मिल भी जाता है। वहीं डेविस भीतर ही भीतर काफी परेशान होता है। वो इन दोनों से थोड़ा दूर चला जाता है। कुछ समय बाद केट भी उसके पास आती है। वो उसे परेशान देखकर उससे आगे के प्लान के बारे में पूछती है। दरअसल डेविस की परेशानी की सबसे बड़ी वजह होती है कि उसके हिस्से से उस होप का भी चले जाना जो अब तक उसे ये भरोसा दिलाई हुई थी कि केट उसके दोस्त जॉर्ज को ठीक कर सकती है, उसे नॉर्मल कर सकती है। लेकिन केट ना जाने किन वजहों से अब तक सिर्फ उसे यूज कर रही थी। डेविस उसे रूखे लहजे में जवाब देता है, अब आगे जो कुछ करना है उसे मैं खुद अकेला कर लूंगा, तुम मेरे लिए परेशानी मत उठाओ। केट उसकी फीलिंग्स को समझते हुए कहती है, जानना नहीं चाहोगे कि इसके पीछे की वजह क्या है? वो बताती है कि कॉलेज से अपनी स्टडी पूरी करने के बाद मैं लुप्त हो रहे जीवों को बचाने के लिए क्रिस्पर पर रिसर्च करने लगी। मेरा एक छोटा भाई था जिसकी तबीयत एक बार बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। मैं अपनी रिसर्च को बीच में ही छोड़कर उसके पास रहने लगी। समय के साथ उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन क्रिस्पर की संभावनाओं को देखते हुए मुझे यकीन था कि मेरे भाई को बचाया जा सकता है। एक दिन एनर्जिन कंपनी की ओनर क्लेयर वाइडेन मेरे पास आई और मुझे कंपनी में काम करने के लिए जॉब ऑफर की। अब एनर्जिन का भी मकसद वही था जो कि मेरा था, लोगों की मदद करना, लुप्त हो रहे जीवों को बचाना। इसके बाद कंपनी के रिसोर्सेज को यूज करते हुए उस समय मैंने बहुत से ऐसे टूल्स बनाए, ऐसे सिस्टम डेवलप किए जो मेरे भाई के साथ साथ और भी कई जिंदगियां बचा सकते थे। लेकिन अभी भी मुझे मेरे भाई को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कोई सटीक इलाज नहीं मिला था। एक दिन मुझे पता चला कि मैं अब तक जिन भी चीजों को लोगों के भलाई के लिए बनाती आ रही थी उससे एनर्जिन अपने खतरनाक मकसदों को पूरा करने के लिए मेरी गैर जानकारी में वेपनाइज्ड डीएनए बनाती आ रही थी। इनके खतरनाक मंसूबों का पता चलने पर
मैंने एनर्जिन का पर्दाफाश करने के लिए वहाँ से कुछ सबूत निकालने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी ने मुझे पकड़ लिया और मुझे जेल भिजवा दिया गया। मैं आखिरी बार अपने भाई तक को नहीं देख पाई। ये सब जानने के बाद डेविस उसे माफ कर देता है और उसकी पूरी सच्चाई जानने से पहले उसको गलत समझने के लिए भी माफी मांगता है। ये देखते हैं कि रसल ने पास की मिलिट्री बेस से कॉन्टेक्ट करके दो चोपर भी मंगवा लिया है। ये तीनों उन चोपर्स में बैठकर उस मिलिट्री बेस पर चले जाते हैं। यहाँ रसल इनकी बात कर्नल से करवाता है। कर्नल भी इस वक्त उन दो जाइंट बॉडीज को रोकने में लगे होते हैं। वो उन्हें कुछ मिड रेंज के बॉम्ब से उड़ाने की तैयारी कर रहे होते हैं। डेविस उन्हें समझाता है कि इस वक्त हम उन्हें नहीं रोक सकते, वो इस तरह के छोटे मोटे बॉम्ब ब्लास्ट में आराम से सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन कर्नल अभी उसकी बात नहीं सुनते। वो उन दो जाइंट बॉडीज पर कई सारे मिड रेंज बॉम्ब्स गिरवाते हैं, लेकिन जैसा डेविस ने कहा था वो दोनों बच जाते हैं और वहाँ मौजूद सभी सोल्जर्स को मार भी देते हैं। कुछ समय बाद कर्नल को FBI का एक मैसेज मिलता है। वो डेविस और कैट से पूछताछ करना चाहते थे। कर्नल उन दोनों को कुछ सोल्जर्स के साथ बाहर एक दूसरी जगह पर भिजवा देते हैं। बाहर जब सोल्जर्स इन्हें लेकर जा रहे होते हैं तो डेविस उनसे फाइट करके उन्हें बेहोश कर देता है। इसके बाद वो दोनों शिकागो जाने के लिए एक चोपर ढूंढने लगते हैं। कैट उसे सजेस्ट करती है कि हमें बेस के हॉस्पिटल की तरफ देखना चाहिए, वहाँ पर हमेशा इमरजेंसी के लिए एक चोपर खड़ा रहता है। जब ये दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो सच में वहाँ पर एक चोपर खड़ा होता है। इसी वक्त रसल भी यहाँ आ जाता है, लेकिन इस बार वो इनकी मदद के मकसद से आया होता है। वो इन्हें एक सैटेलाइट फोन, उस चोपर की इग्निशन की और साथ ही अपने तरीके से गुड लक भी देता है। अब यहाँ से डेविस कैट के साथ उस चोपर को लेकर शिकागो की तरफ निकल जाता है। जब तक ये वहाँ पर पहुँचते हैं, तब तक वहाँ वो जाइंट वोल्फ और जॉर्ज दोनों भी पहुँच चुके थे। ये देखते हैं कि कर्नल ने इन दोनों जाइंट्स को रोकने के लिए पूरे शहर में चारों तरफ सोल्जर्स को फैला दिया है। इसी के साथ शहर की लगभग आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को भी बाहर निकाल दिया गया है। डेविस और केट लगातार उस वुल्फ और जॉर्ज पर अपनी नजर बनाए हुए रखते हैं, लेकिन तभी इन्हें नदी में एक बहुत तेज हलचल दिखाई देती है और देखते ही देखते उस नदी से एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल बाहर निकलता है जो शहर की तबाही को तीन गुना कर देता है। इसी समय रसल डेविस को कॉल करके बताता है कि कर्नल शिकागो के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल बॉम्ब इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। उसे बस लोगों के शहर से बाहर निकलने का इंतजार है, तो तुम जितना हो सके उतना जल्दी करो। डेविस अब बिना एक भी मिनट गवाए केट के साथ एनर्जिन कंपनी के हेडक्वार्टर यानी विलिस टावर में घुस जाता है। केट उसे गाइड करती हुई लैब तक लेकर जाती है, जहां सबसे पहले ये एनर्जिन के खिलाफ कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं, ताकि यहां से बाहर निकलने के बाद इनके पास एनर्जिन के खिलाफ कोई वजह हो जिससे सरकार इनके ऊपर एक्शन ले सके। कई कोशिशों के बाद जब केट सर्वर्स तक पहुँचती है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। सब कुछ पहले से ही डिलीटेड होता है और इसके अलावा बाकी की हार्ड ड्राइव तो पहले ही FBI वाले ले जा चुके होते हैं, जिसमें केट के मुताबिक कोई भी सबूत नहीं होता। खैर, अब ये सबूत ढूंढना छोड़कर उन जाइंट्स के इलाज को यानी एंटीडोट को ढूंढना शुरू कर देते हैं। केट डेविस को बताती है कि उन सभी चीजों पर नजर डालो जिन पर RPG लिखा हो। थोड़ी कोशिशों में डेविस उस एंटीडोट को ढूंढ लेता है जो उन जाइंट्स को नॉर्मल कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ इसी बिल्डिंग में मौजूद क्लेयर अपने भाई ब्रेड के साथ यहाँ से भागने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन अचानक जब उसकी नजर सामने मॉनिटर पर पड़ती है तो वो अपना फैसला बदल लेती है। वो यहाँ से सीधा लैब में जाती है और उन दोनों को गन पॉइंट पर धर लेती है। क्लेयर इनसे एंटीडोट को लेते हुए कहती है कि ये एंटीडोट उनको नॉर्मल साइज में नहीं ला सकता, ये सिर्फ उनका गुस्सा कम कर सकता है। इतना कहकर वो इन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन डेविस उसके साथ जाने से मना कर देता है और वो बिना दोबारा कहे डेविस के पेट में गोली मार देती है और फिर केट को डरा धमका कर अपने साथ बिल्डिंग के टॉप पर लेकर जाती है। दरअसल क्लेयर अपने इस खतरनाक प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने के लिए केट को अगवा कर रही होती है। अब टॉप पर पहुंचने के बाद वो केट को जबरदस्ती चोपर में बैठने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर जोर जा जाता है जो उन सभी पर हमला कर देता है। क्लेयर का भाई ब्रेट डर के मारे नीचे भागने लगता है।
भागते वक्त उसके पास क्लेयर का वो लैपटॉप भी होता है जिसमें RPG यानी रैम्पेज प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंट डेटा होता है। क्लेयर उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसे मुड़कर देखता भी नहीं। अफरा तफरी में भागते हुए केट वहीं पर गिर जाती है। अचानक से जॉर्ज उस चोपर को उठाकर उसी के ऊपर फेंक देता है लेकिन एंड मौके पर डेविस उसे आकर बचा लेता है। डेविस को जिंदा देखकर केट काफी खुश होती है। डेविस जल्दबाजी में ही कहता है कि हमें नीचे जाकर उस एंटीडोट को ले आना चाहिए। तभी केट उसे उस एंटीडोट का एक ट्यूब दिखाती है जो उसने शुरू में ही अपनी पॉकेट में छुपा लिया था। एंटीडोट का ट्यूब सिर्फ इनके पास एक ही होता है इसीलिए अब ये हर एक को उसे नहीं दे सकते। तो दोनों फैसला करते हैं कि उसे सिर्फ ये जॉर्ज को देंगे और जॉर्ज के नॉर्मल होते ही बाकियों से लड़ने में उसकी मदद लेंगे। लेकिन अब सवाल ये होता है कि जॉर्ज के भीतर उसे पहुंचाया कैसे जाए। इसी के बारे में बात करते हुए डेविस और केट बिल्डिंग के एकदम ऊपरी हिस्से से थोड़ा नीचे उतरने लगते हैं। जब ये कुछ नीचे पहुंचते हैं तो एक बार फिर से इन्हें क्लेयर गन पॉइंट पर ले लेती है। डेविस थोड़े वक्त तक सोचकर जॉर्ज का नाम पुकारता है जिससे क्लेयर का ध्यान भटक जाता है और इसी का फायदा उठाकर केट उसके हाथों से बंदूक दूर झटक देती है। क्लेयर कुछ समझ पाती इससे पहले केट उसके हैंडबैग में वो लास्ट एंटीडोट ट्यूब डालकर उसे पीछे की तरफ धकेल देती है और वहीं पीछे खड़ा जॉर्ज उसे पकड़कर पूरा का पूरा निकल जाता है। क्लेयर पर उसका किया कराया खुद ही हावी हो जाता है। खैर अब ये दोनों यहीं पर रुककर तब तक इंतजार करने का फैसला करते हैं जब तक एंटीडोट जॉर्ज पर पूरी तरह से असर नहीं कर जाता। लेकिन तभी वहाँ पर वो खतरनाक वोल्फ भी आ जाता है और उसके पीछे पीछे वो जाइंट क्रोकोडाइल भी। अब इन्हें किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होता है क्योंकि यहाँ उन तीन खतरों के साथ साथ एक चौथा बड़ा खतरा भी होता है जो इन्हें बेमौत मार सकता है और वो खतरा ये होता है कि ये टावर किसी भी वक्त गिरने वाला होता है। डेविस केट को साथ लेकर उस टूटे हुए चोपर में बैठ जाता है। उसका प्लान होता है कि जैसे पानी पर सर्फिंग किया जाता है ठीक वैसे ही बिल्डिंग के झुके होने पर वो चोपर के साथ सर्फिंग करते हुए नीचे चला जाएगा। उसका ये प्लान काम भी करता है। बिल्डिंग के झुक जाने पर वो उस पर सर्फिंग करते हुए सेफली नीचे उतर जाता है। वही बिल्डिंग के गिर जाने से वो डिवाइस भी बंद पड़ जाता है और उसके बंद पड़ते ही क्रोकोडाइल और वुल्फ आपस में लड़ने लगते हैं। क्रोकोडाइल बेहद खतरनाक होता है जो वुल्फ को एक झटके में ही मार देता है। अब डेविस जॉर्ज के बिहेवियर को चेक करने के लिए उससे बात करता है तो जॉर्ज भी उसे पहले के जैसा ही रिप्लाई करता है। यानी जॉर्ज अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। उसे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती और वो क्रोकोडाइल से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्रोकोडाइल बिल्डिंग के दूसरी साइड गिरा होता है और उस तरफ जाने से पहले डेविस केट को रसल से जाकर मिलने के लिए कहता है। दरअसल जो पावरफुल बॉम्ब यहाँ पर गिराए जाने वाला है उससे काफी लोगों की जाने जा सकती हैं क्योंकि बहुत से सिविलियंस और सोल्जर्स अभी भी यहीं पर फंसे होते हैं। केट डेविस से अपना ख्याल रखने के लिए बोलकर रसल से मिलने के लिए निकल जाती हैं और इसी के साथ डेविस और जॉर्ज भी उस क्रोकोडाइल का खात्मा करने के लिए निकल पड़ते हैं। देखते ही देखते इन तीनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है। कभी ये दोनों उस पर हावी पड़ते हैं तो कभी वो इन दोनों पर, लेकिन आखिर में ये दोनों मिलकर उस क्रोकोडाइल को खत्म कर देते हैं। अब तक केट भी रसल तक पहुँच चुकी होती है और रसल के कहने पर कर्नल स्पेशल बॉम्बिंग भी रुकवा देता है। आखिर में दिखाया जाता है कि जॉर्ज, डेविस, केट और रसल चारों साथ में हैं और वे चारों मिलजुल कर घायल लोगों की वहां से निकलने में मदद कर रहे हैं। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म रैम्पेज की। उम्मीद करते हैं कि आपने इस कहानी को एंजॉय किया होगा।